डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, और ऐसा करते करते आप लोग अभी तक 6 नियम पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग 7वें नियम की शुरुआत कर चुके हैं। उस 7वें नियम की शुरुआत में ही मैंने आपको बतलाया पिछले वीडियो में कि आखिर प्रिपोजिशन क्या होता है, नाउन क्या होता है, जेरंड क्या होता है, उसको काफी डिटेल में बताने का मैंने प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। लेकिन अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस आई बटन में जाकर के और तुरंत सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगर आप इसको देखेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए अब आज हम इस वीडियो में यह सीखना शुरू करते हैं कि आखिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस हम कैसे बना लेते हैं, और वो भी इस नियम से। कौन सा नियम है? नियम जरा गौर से देख लीजिए, यूज करना है आपको, प्रयोग करना है किस चीज का, प्रिपोजिशन का प्रयोग करना है, ये क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में मैंने कुछ जानकारियां दी हैं, उसे आप पिछले वीडियो में देख लीजिए। बिफोर ए नाउन, नाउन से पहले, और जीरंड, जीरंड से पहले। तो नाउन और जीरंड, इन सब के बारे में जानकारी आप पिछले वीडियो में प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए जरा अब हम ये देखते हैं कि अगर हमारे सामने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं तो उनको जोड़ने के लिए हम इस नियम का प्रयोग कब करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये नियम तो हर ताले की चाबी है, मींस सभी प्रकार के सेंटेंसेस, जिस प्रकार के भी सेंटेंसेस हो, वो सारे के सारे सेंटेंस इस नियम का प्रयोग करके जोड़े जा सकते हैं। देखिए जरा, फिर भी मैंने कंडीशंस, जैसा कि मैं आपको बताता ही हूं कि क्या कंडीशंस होती हैं, उन वाक्यों में किस तरीके की कंडीशंस होनी चाहिए, दशाएं होनी चाहिए जब हम किसी नियम का प्रयोग करते हैं, तो जरा देख लेते हैं। कंडीशंस में हमने लिखा हुआ है डाइवर्सिफाइड, मींस किसी भी प्रकार की कोई भी कंडीशन हो सकती है, यहां पर कोई सेट कंडीशन नहीं है, कोई सेट दशा नहीं है कि नहीं भाई अगर ऐसा हो तो ही हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, किसी भी प्रकार की कंडीशन हो सकती हैं, और अब आपको उन सभी कंडीशंस में से आपको ध्यान ही नहीं देना है कि वो क्या कंडीशंस हैं, हमें सिंपली देखना है क्या है कि हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो जरा थोड़ा सा बड़े ध्यान से सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। देखिए, सपोज आपके सामने दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस रखे हुए हैं, यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। देखिए, यहां पर आपके सामने है तीन सेंटेंसेस, देयर आर थ्री सेंटेंसेस हियर। ओके, पहला सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। जी हाँ, प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा होगा, यानी तीन सेंटेंसेस हैं आपके साथ सामने, और इन तीनों ही सेंटेंसेस में एक एक फाइनाइट वर्ब होगी। अब जब हम उन्हें तीनों वाक्यों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर हमें केवल और केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया को रखना है, बाकी दो क्रियाओं को हमें किसी न किसी प्रकार से समाप्त करना है। कैसे समाप्त करेंगे, यही एक बड़ा विषय है, यानी उन क्रियाओं को साथ में ही। अब डाइवर्सिफाइड कंडीशंस हैं, अर्थात यहां पर सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी अलग अलग हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है, हो सकता है पहले वाक्य से दूसरे वाक्य का कोई मेल ही ना हो, है ना। समथिंग मीन्स डाइवर्सिफाइड, यानी कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, ऐसा करने के लिए यानी कैसा, इन दो क्रियाओं को रिमूव करना है या उनका स्वरूप बदलना है। ओके, अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, इस नियम की जरूरत हमें तभी पड़ती है जब हम इन्हें रिमूव नहीं कर सकते, मींस इन्हें हटा नहीं सकते हैं। ओके, फिर क्या करना होगा, हमें इनका स्वरूप बदलना होगा, और स्वरूप जब बदलना होगा तो हम किन रूपों में उसे बदलेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। ध्यान दीजिए, इन तीनों क्रियाओं में से हमें केवल एक क्रिया को, यानी एक टेंस बताने वाली क्रिया को छोड़ देना है, यानी उसे हम नए बने हुए सेंटेंस में रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इन दोनों, इन तीन वाक्यों में से दो क्रियाओं को हमें उनके स्वरूप को चेंज करना है, उनकी फॉर्म को चेंज करना है। कैसे चेंज कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, आपको कम से कम एक क्रिया को, हो सकता है आपको जीरंड में चेंज करना पड़ जाए। ध्यान दीजिए, जीरंड, और जीरंड आप जानते हैं क्या होता है, जीरंड, जीरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या कोई भी फॉर्म लगी हुई आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म लानी है और उसमें आईएनजी लगा देना है, वो जीरंड बन जाएगा। ऑलराइट, अथवा उसी क्रिया को आपको नाउन में बदलना होगा। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है कि उन क्रियाओं को रिमूव नहीं करना है, बल्कि उन क्रियाओं को या तो नाउन में चेंज कर देना है या तो जीरंड में चेंज कर देना है। ओके, अब जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है इनके ये सब्जेक्ट्स अलग हो, ऑब्जेक्ट्स अलग हो, सब्जेक्ट्स अलग हो,
अगर सब्जेक्ट्स एक ही है तो चलो सब्जेक्ट्स तो हट जाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो फिर उनको हम आप और हम अलग नहीं कर सकते, यानी उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसा करने पर हमें क्या होगा कि कभी कभी इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही हमें फ्रेज में बदलना पड़ेगा। तो वो हो सकता है कि वो जीरंड फ्रेज बन जाए या हो सकता है कि वो नाउन फ्रेज बन जाए। अभी आपको ये चीज़ें शायद समझ में नहीं आएंगी जो मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं कोई प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल आपको करके नहीं बताता हूँ तब तक ऐसा आपको काफ़ी कठिन लगेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है और ये थर्ड तीसरा सेंटेंस है। इन तीनों ही सेंटेंसेस में जरा गौर करें तो पाएंगे कि एक टेंस बताने वाली क्रिया ये है, एक फाइनाइट वर्ब यानी टेंस बताने वाली क्रिया ये है और तीसरे सेंटेंस में एक टेंस बताने वाली क्रिया वो है। ओके, अब जब हमारे सामने एक नया सेंटेंस होगा या हम जब नए सेंटेंस का निर्माण करेंगे तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हम एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, और सिंपल सेंटेंस में उसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या होती है कि इन 3 क्रियाओं में से केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया ही अगले नए बने सेंटेंस पर बची रहेगी, और बाकी इन 3 क्रियाओं में से 2 क्रियाओं को या तो हम रिमूव कर देंगे या तो फिर उनके स्वरूप को चेंज कर देंगे। स्वरूप को चेंज करने के लिए कभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, कभी पास्ट पार्टिसिपल, कभी परफेक्ट पार्टिसिपल या कभी इन्फिनिटिव में चेंज करते हैं, और कर चुके हैं आप पिछले वीडियोस में, आपने वो सब कुछ काम कर लिया है। अब बारी है जेरंड की, जेरंड जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब का एक स्वरूप होता है, ओके, और जिसको मैंने पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बताने का प्रयास किया है। अब जरा यहां पर देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, इन 3 वाक्यों को जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, जीरंड का प्रयोग करना है, नाउन का प्रयोग करना है और उससे पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, यानी इन 3 वाक्यों को किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर देना है। ओके, अब जरा हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखिए जनाब, यहां पर ध्यान से पढ़ते हैं, सेंटेंस क्या है, जॉन डाइड, जॉन मर गया, खत्म हो गया। द मदर हर्ड द न्यूज, और माता ने यह समाचार सुना। ओके, सी फेंटेड, और वह मूर्छित हो गई। देखिए यहां पर यह सब्जेक्ट अलग है, यह सब्जेक्ट अलग है, चलिए तीसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम है। ओके, अच्छा, अब देखते हैं, यह क्रिया अलग है, यह क्रिया अलग है और वो क्रिया अलग है, यानी इनफैक्ट आप देख रहे हैं कि 2 सेंटेंसेस में तो ऑलमोस्ट सब कुछ अलग अलग है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर सवाल बैठता है, अच्छे से आपको पढ़ना है सेंटेंस और कुछ ऐसा आपको करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे इस नियम में। अभी तक तो होता था कि मैं 1 या 2 एग्जाम्पल दे करके और नियम समाप्त कर देता था, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रत्येक प्रीपोजिशन को, ईच प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए आपको हर एक प्रीपोजिशन में कम से कम 1 एग्जाम्पल आपको चाहिए होगा। यहां पर जरा देखते हैं इन 3 वाक्यों को हम क्या कर रहे हैं। देखिए, एक क्रिया ये है, एक क्रिया ये है और एक क्रिया वो है, इन 3 में से हम किसी एक क्रिया को यहां पर जीवित रखेंगे। प्रायः ऐसा होता है कि जो पहले वाली घटनाएं घट चुकी होती है उनको हम जीरंड में या नाउन फ्रेज में बदल देते हैं और सबसे बाद में जो क्रिया होती है उसे हम जीवित रखते हैं, अर्थात उसे फाइनाइट वर्ब बने रहने देते हैं। तो देखिए, इन 3 वाक्यों में सबसे बाद में काम यही हुआ है, पहले जॉन के मरने का काम हुआ है, दूसरा उसकी माता के सुनने का काम हुआ है और इसके बाद में ये फेंट होने का काम हुआ है, यानी मूर्छित होने का काम हुआ है। अब देखना यह है कि हम इस क्रिया को अगर सेव कर लेते हैं, अर्थात ये फाइनाइट वर्ब बनी रहे, तो हमें इस क्रिया और इस क्रिया, इन दोनों का ही स्वरूप चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, चलिए मान लेते हैं इस क्रिया को हम कैसे स्वरूप बदलें, या तो नाउन में इसे चेंज करिए और या तो इसे जीरण में। तो चलिए हम इसको जरा जीरण में चेंज करके देखते हैं और क्या हो जाएगा, हियर और उसमें ing लगा देंगे तो हियरिंग द न्यूज हो गया, हियरिंग द न्यूज, क्लियर। ओके, मदर है, उसे हम कहीं ना कहीं सेट करेंगे सेंटेंस में। आगे हम देखते हैं इस क्रिया को और इस सब्जेक्ट को, इन दोनों को हम मिला करके अब इस क्रिया को हम या तो जीरण में बदलें और या तो हम इसे नाउन फ्रेज में बदल देते हैं। जरा देखिए, अगर हमें नाउन फ्रेज में बदलना होगा तो इस क्रिया को हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन में चेंज करना पड़ेगा, और इस क्रिया को जब नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये डेथ, क्या बन जाती है, डाइड का डेथ हो गया। तो ये डेथ वास्तव में नाउन है और डाई मरना ये क्रिया है। अब उसी के साथ ये सब्जेक्ट लगा हुआ है तो प्राय हम ऐसा करते हैं कि इस सब्जेक्ट को हम पजेसिव केस बदल देते हैं। अगर यहां पर ही होता तो हिज हो जाता पजेसिव केस, लेकिन अगर जॉन है तो जॉन है चूंकि नाउन है तो नाउन का पजेसिव बनाने के लिए हम ये अपोस्ट्रॉफी कॉमा और एस लगा देते हैं, तो जॉन्स डेथ,
ओके तो इस सेंटेंस को, पूरे के पूरे सेंटेंस को हमने एक फ्रेज में बदल दिया, जॉन्स डेथ कर दिया, और ये नाउन फ्रेज हो गया। जॉन्स, जॉन की मृत्यु, ये एक नाउन हो गया, नाउन फ्रेज इसको बोलते हैं। अब यहां पर हियर को हमने हियरिंग में चेंज कर दिया, द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, ये हो गया एक जीरंड फ्रेज हो गया, जीरंड है और उसके साथ कुछ और वर्ड्स लगे हैं तो ये जीरंड फ्रेज हो गया। अब एक सेंटेंस बना, सी फेंटेड, तो ये सी कौन है, सी इनफैक्ट क्या है, द मदर है। तो चलिए, जब नाउन रखा हुआ है और प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को के स्थान पर हम द मदर यानी नाउन रख देंगे, तो ये सेंटेंस द मदर फेंटेड हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सब्जेक्ट हम यहां पर सेट कर देंगे, तो ये सेंटेंस तो बचा ही बचा है, एक फ्रेज ये बचा और एक फ्रेज ये बचा। अब इसी, इन दोनों ही फ्रेजेस को इस सेंटेंस के साथ कायदे से जोड़ दीजिए। लेकिन अब जोड़ने के लिए यहां पर जरूरत पड़ेगी क्या, जरूरत पड़ेगी एक प्रीपोजिशन की। तो अब जरा इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो जरा देखिए, जोड़ने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगी, तो जरा ठीक है थोड़ी देर बाद में देख लेते हैं, पहले इनको जोड़ने, पहले हिंदी में जोड़ने का प्रयास करते हैं। यहां पर इसका अर्थ हो सकता है हियरिंग माने सुनकर, ही तो अभी प्रेजेंट पार्टिसिपल बना हुआ है, सुनकर क्या, द न्यूज, न्यूज माने समाचार, तो समाचार सुनकर। अब समाचार तो कौन सा समाचार सुनकर ऐसा हुआ है, जरा ये सोचो, अपने दिमाग का प्रयोग करो कि इस समाचार को सुनकर, तो ये समाचार कौन सा है, उस समाचार को नाउन फ्रेज में बदल दिया है, कैसे, हियरिंग द न्यूज। अब यहां पर लगाइए प्रीपोजिशन, तो देखिए ये प्रीपोजिशन लग गया, ऑफ जॉन्स डेथ, ठीक, तो इस नाउन से पहले एक प्रीपोजिशन लग गया। So, hearing the news of John's death, ये वास्तव में ये दोनों ही वाक्य क्या बन गए, अब फ्रेज बन गए। देखिए जरा, hearing the news of John's death, अब जरा गौर करें, John's death, अब कॉमा लगा दिया, अब वास्तव में ये दोनों ही सेंटेंस जो थे, अब उन दोनों ही सेंटेंसेस की एक क्रिया को हमने यहां पर पार्टिसिपल में, अभी ये पार्टिसिपल है, जी हाँ, अभी ये क्या है, पार्टिसिपल, जब इसके पहले प्रीपोजिशन लगाएंगे तब ये जीरंड बनेगा। ओके, सो हियरिंग द न्यूज, और कर दिया ये इतना हिस्सा यहां से ले लिया, और इस वाले सेंटेंस को हमने पूरा का पूरा फ्रेज में बदल दिया, और वहां उससे पहले एक ऑफ, हमें वहां पर इस ऑफ की जरूरत पड़ेगी, एक प्रीपोजिशन है, ये एक नाउन फ्रेज है देखिए, और उससे पहले हमने एक प्रीपोजिशन लगाया, ठीक, तो इससे रिलेट हुआ ऑफ का की के, इससे रिलेट हुआ, यानी ये वाला फ्रेज इस वाले फ्रेज से रिलेट हुआ इस प्रीपोजिशन के की सहायता से। अब देखते हैं, सो हियरिंग द न्यूज ऑफ जॉन्स डेथ, अब इसका अर्थ क्या निकल गया, इसका अर्थ निकला जॉन की मृत्यु का समाचार सुनकर, ओके, सुनकर, अब कॉमा लगा दिया और सी फेंटेड, तो सी कौन है, द मदर, तो यहां पर हम द मदर लिख देंगे, द मदर फेंटेड, फेंटेड। लुक, अब क्या करना है कि ये तो एक्चुअली पार्टिसिपल है, अब यदि हम यहां पर इससे पहले एक प्रीपोजिशन लगाएं तो कौन सा प्रीपोजिशन हो, तो देखिए जब कारण और परिणाम होता है तो वहां पर दो प्रकार के प्रीपोजिशंस यूज किए जाते हैं, या तो ऑन लगाते हैं और या तो बाय लगाते हैं। ओके, जब किसी काम के परिणाम स्वरूप कुछ हो तो क्या करते हैं, फिर हम या तो ऑन लगाते हैं या तो बाय लगाते हैं। लेकिन हम जल्दी से बता देते हैं कि ऑन का प्रयोग हम कब करते हैं, ऑन का प्रयोग प्रायः ऐसी क्रियाओं से पहले करते हैं जो हम वास्तव में करते नहीं हैं, वो क्रियाएं हो जाती हैं। जी हाँ, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक क्रिया ऐसी होती है जो हमें करनी पड़ती है और एक क्रिया ऐसी होती है जो स्वतः हो जाती है। जैसे हम आंख खोलने का काम करते हैं तो दिखने का काम स्वतः हो जाता है, हमें देखना नहीं पड़ता। इनफैक्ट जैसे हमने पलक खोली तो पलकों को खोलने का और बंद करने का काम तो किया जा सकता है, बट जो दिखाई पड़ने वाला काम है वो तो स्वतः होता है। ओके, मैं बोल रहा हूं तो आपको स्वतः सुनाई पड़ेगा, स्वतः सुनाई पड़ेगा। ऑलराइट, तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्वतः होती हैं, यहां पर उन चीजों पर जो क्रियाएं स्वतः होती हैं प्रायः उन क्रियाओं से पहले ऑन लगाया जाता है, और जिन क्रियाओं को हमें करना पड़ता है प्रायः उन क्रियाओं से पहले बाय लगा दिया जाता है, कभी कभार कोई एक्सेप्शन अगर छोड़ दिया जाए तो। तो देखिए यहां पर इस, अब ये जीरंड बन गया, जी हां, जैसे ही हमने यहां पर इसे हियरिंग से पहले ऑन लगाया तो ये जीरंड बन गया।
तो ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ, तो अब देखिए कि इस जीरण से पहले हमने लगाया ऑन, एक प्रिपोजिशन है। इस पहले वाले सेंटेंस को एक फ्रेज में बदल दिया नाउन फ्रेज में, और उससे पहले एक प्रिपोजिशन लगा दिया ऑफ। जी हां, इस तरह से हमने प्रिपोजिशन का प्रयोग करके दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया फ्रेज बना करके, दोनों को फ्रेज में टर्न किया और दोनों को हमने जोड़ दिया। ओके, फिर इसके बाद एक कॉमा लगाया और फिर जो तीसरा सेंटेंस है उस तीसरे सेंटेंस को हमने यहां पर ऐसे लिख दिया। अब जरा गौर करें यहां पर कि क्या ये वास्तव में सिंपल सेंटेंस हुआ, ये क्या है, देख लेते हैं। और सिंपल सेंटेंस की सबसे बड़ी जो कंडीशन है मैंने आपको बताई, क्या कि एक सिंपल सेंटेंस हो चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो और चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें क्रिया केवल और केवल एक होगी, और वो भी कौन सी, फाइनाइट वर्ब। जी हाँ, ये फाइनाइट वर्ब जो टेंस को डिफाइन करती है वो वाली क्रिया एक ही होगी, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। जी हाँ, तो अब आप देखिए यहां पर ये तो जेरंड हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, और इस क्रिया को तो हमने नाउन में चेंज कर दिया। अब खाली एक क्रिया यहां पर बची हुई है, फेंटेड, और ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। ध्यान से सुने, आपको केवल एकमात्र एग्जाम्पल दे देने से इनफैक्ट आप सारे प्रिपोजिशंस का प्रयोग नहीं कर पाएंगे या सीख नहीं पाएंगे। हर प्रिपोजिशन में अलग अलग कंडीशंस होती हैं, हर प्रिपोजिशन का अपना अलग अलग रिलेशन होता है, हर प्रिपोजिशन अपना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन प्रकट करता है, तो उन रिलेशंस को आपको क्लोजली वॉच करना होगा, समझना होगा, और उन सभी प्रिपोजिशंस का प्रयोग भी आपको धीरे धीरे समझना होगा। इसीलिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक तीन वीडियोस तक जा रहा है। जी हाँ, मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, ये अभी चल रहा है, और अभी इसके बाद भी आपको एक वीडियो और देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस नियम को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, तो चलिए अगली स्लाइड में मैं कुछ आपको ऐसे ही फ्रेजेस चेंज करना सिखा देता हूँ, बस दो मिनट में, और फिर इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स उन प्रिपोजिशंस के साथ में। इस नियम का प्रयोग करते करते बच्चों के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और मैं उन प्रॉब्लम्स को समझ भी सकता हूँ, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, हर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से क्लोजली वो नहीं पहचानते हैं, और उसका एक सीधा सा कारण होता है क्योंकि उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच बचपन में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। इसलिए मैं सभी को एडवाइस करता हूं कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बहुत ही क्लोज, बहुत ही डीप जा करके आपको पढ़ा रहा हूं, और अगर आपने वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे ढंग से नियमित रूप से देखते रहे तो निश्चित रूप से आपको ग्रामर बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जरा देखें यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बता रहा हूँ कि आप ऐसा अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। कई बार आपको पूरे के पूरे वाक्य को ही वास्तव में फ्रेज में चेंज करना पड़ता है, पूरे के पूरे सेंटेंस को फ्रेज में चेंज करना पड़ता है, और उससे पहले आपको फिर एक प्रिपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, तो जरा देख लेते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है ये काम कि आप पूरे के पूरे सेंटेंस को फ्रेज में चेंज करना, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। सिंपली आपको क्या करना होता है कि उसकी क्रिया को या तो नाउन में चेंज कर देते हैं, और या तो जेरंड में चेंज कर देते हैं, या प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, और फिर उसके पहले आपको एक सूटेबल प्रिपोजिशन लगा देना होता है। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं यहां पर, देखिए आई वॉज सक्सेसफुल, यहां पर एक सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट हुआ, वॉज टेंस बताने वाली क्रिया हो गई, सक्सेसफुल ये एक एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए जरा यहां पर क्या करना है, आपको एक फ्रेज में इसे चेंज करना है। तो हाउ कैन यू चेंज अ फुल सेंटेंस इनटू अ फ्रेज, तो ध्यान से देखिए, अगर इज एम आर वाज वर जैसी क्रियाएं हैं तो उनको तो आप रिमूव ही कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर इसके बाद क्या करना होता है आपको, सब्जेक्ट को इनफैक्ट उसे हम क्या चेंज कर देते हैं, उसे पजेसिव केस में चेंज कर देते हैं। अगर कोई प्रोनाउन है तो उसका प्रोनाउन को पजेसिव केस ले आते हैं, और अगर नाउन है यहां पर जैसे राम हुआ तो राम का पजेसिव केस यहां पर क्या बन जाएगा, राम्स, यानी राम एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस बना दिया तो वो पजेसिव केस बन गया। और इसके बाद या तो क्रिया को, और या तो अगर दिया हुआ एडजेक्टिव है तो उसे हमने नाउन में चेंज कर दिया। ओके, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और या तो क्रिया और या तो फिर वो जो एडजेक्टिव दिया होता है उसको हमने नाउन में चेंज कर दिया, तो जैसे बन गया माय, आई का पजेसिव केस हो गया माय, और सक्सेस, सक्सेसफुल ये एडजेक्टिव है, इसे फुल हटा दिया तो ये बन गया सक्सेस, तो माय सक्सेस। जी हाँ, अब ये जो है नए बने सेंटेंस में अपना पूरा का पूरा भाव प्रकट करने लग जाएगा। बस एक उपयुक्त प्रिपोजिशन की जरूरत आगे पड़ेगी, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। जरा देखते हैं यहां पर अगला सेंटेंस क्या है, ही हैड अ बुक इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक किताब थी, ये सेंटेंस है। अच्छा, अब इस सेंटेंस में क्या करना है हमको, इनफैक्ट ये जो टेंस बताने वाली क्रिया है या तो इसको रिमूव कर देना है, और या तो फिर इसको जीरण में चेंज कर देना है। तो
पहले तो हम पार्टिसिपल में, और फिर पार्टिसिपल के पहले अगर हम कोई प्रीपोजिशन लगा देते हैं तो जेरंड बन जाता है। तो दो तरीके हैं, देखिए कैसे। हैड को हमने हैविंग में चेंज कर दिया, देखिए यहां पर हैविंग अ बुक इन हिज हैंड, ठीक है ना, हैविंग कर दिया, अ बुक आ गया इन हिज, और ये सब्जेक्ट इनफैक्ट क्या है, इसको पजेसिव केस में जब बदलेंगे तो ऑलरेडी यहां पर एक पजेसिव केस का प्रोनाउन हाई है, तो चलिए सीधे उसको हमने वहां पर रख दिया और इसको रिमूव कर दिया, ओके। अथवा फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस क्रिया को कभी कभी आप पूरी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं और बस एक प्रीपोजिशन लगा दिया, अ बुक इन हिज हैंड्स, अकेले ये कर दिया, यानी उसके हाथ में एक बुक के साथ ऐसा कुछ कर दिया, ओके। जरा तीसरे सेंटेंस को देखिए, आई अराइव्ड, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है। अब यहां पर आई अराइव्ड, इन दोनों को हमें फ्रेज में चेंज करना है, तो आई को पजेसिव केस में चेंज किया, माई हो गया, और अराइव्ड को नाउन में चेंज कर दिया, तो अराइवल हो गया। अब ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बचपन में सिखाया जाता है कि हम नाउन को किस तरह से एडजेक्टिव में चेंज कर लेते हैं, एडजेक्टिव को किस तरह से एडवर्ब में चेंज कर लेते हैं, या किसी वर्ब को हम किस प्रकार से नाउन में चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ लोअर क्लासेस, बट और लेकिन यहाँ पर इन सब चीज़ों की आप बहुत अच्छी जानकारी ले सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के इन सारी चीज़ों की आप डीप जानकारी ले सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस है, द सन सेट, सूर्य अस्त हो गया, यहाँ पर द सन सूर्य और सेट अस्त हो गया, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, जी हाँ, तो ये टेंस है और टेंस बताने वाली क्रिया है। अब यहां पर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और क्रिया के मेल से भी हम एक नाउन का निर्माण कर सकते हैं, देखिए जैसे अगर हमने कह दिया सनसेट, तो इसका ये जुड़ा हुआ शब्द हो गया, ये पूरा एक वर्ड हो गया और इसका अर्थ हो जाता है सूर्यास्त। जैसे द सन राइजेज, तो उसका अगर हम राइज और द सन को दोनों को मिला देंगे तो सनराइज हो गया, यानी सूर्योदय हो गया, यानी कभी कभी हम सब्जेक्ट को और क्रिया को दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना लेते हैं। ऐसे जरा तीसरे सेंटेंस की ओर देखिए, ही रिटर्न्ड सेफली, वह है सुरक्षित वापस आ गया। अब इसको अगर हमें एक फ्रेज में चेंज कर देना है तो वही बात है, प्रायः यही करते हैं कि इसको हमने क्या किया, पजेसिव केस में बदल दिया। इसके बाद में हमने ये जो सेफली है इसमें से एल वाई हटाया तो यहां पर सेफ हो गया और रिटर्न्ड, ठीक है, ये सेफ क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एल वाई हटाया ये एडजेक्टिव है, इसमें एल वाई लगाया तो ये एडवर्ब बन गया, और यहां से अगर हमने इसे एल वाई हटा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया, और इस क्रिया को हमने नाउन में चेंज कर दिया तो बन गया हिज सेफ रिटर्न, उसकी सुरक्षित वापसी। कुछ इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे सेंटेंस को एक फ्रेज में चेंज कर लेना है, और फिर उस फ्रेज को से पहले आपको एक उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देना है, ओके। और जैसे ही उस उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो इस फ्रेज का रिलेशन दूसरे सेंटेंस से प्रकट होने लग जाएगा, बस सिंपल से इतनी सी बात है। अब यहां से शुरू होता है एग्जाम्पल देना, और यहां पर मैं आपको कम से कम 12-13 या हो सकता है 15 प्रीपोजिशंस और उनके एग्जाम्पल्स दूं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये 15 ऑल 15 मीन्स जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक वीडियो में कर लेना काफ़ी कठिन काम है, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी एक या दो जितने बनते हैं, एक या दो प्रीपोजिशंस और उनके यूजेस हम आपको भी यहाँ पर बतलाते हैं, फिर बाकी शेष जो प्रीपोजिशंस बचेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स बचेंगे, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला एग्जाम्पल और पहला यूज ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए आपके सामने कौन सा प्रीपोजिशन है और उसका प्रयोग हम कब करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, जब हम कभी नाउन का प्रयोग करें या कभी जेरंड का प्रयोग करें, ओके। तो जरा देखिए यहां पर ध्यान से, बाय और ऑन, इनका प्रयोग हम कब करते हैं, अब यहां पर अपनी इसकी ये जो कंडीशन है इसके लिए, इन दोनों ही के लिए अकेले हैं, बाकी और आगे के लिए मत सोच लीजिएगा, ये जो मैं कंडीशन आप बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए, प्राय दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही होते हैं, जो पहला सब्जेक्ट होता है और जो दूसरा सब्जेक्ट होता है प्राय है एक ही व्यक्ति या वस्तु होते हैं, और क्रियाओं के बीच में कारण और परिणाम जैसा संबंध होता है, जी हाँ, पहली क्रिया कारण होती है और दूसरी क्रिया परिणाम होती है, तो बस एक क्रिया को जीरण में बदल देते हैं या उसे नाउन फ्रेज में बदल देते हैं और उससे पहले हम बाय अथवा ऑन का प्रयोग करते हैं। वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं बाय और ऑन के, जब प्रीपोजिशन बताऊंगा तो मैं बाय और ऑन के आपको ढेर सारे प्रयोग बताऊंगा,
जी हाँ, और वहां पर क्लियर होगा, बट यहां पर इनका प्रयोग मैं स्पेशली और स्पेशली केवल सेंटेंस जोड़ने के लिए बतला रहा हूं। तो इनके लिए अपना कोई सेट, कोई माइंड मेकअप मत करने ना कि नहीं बाय का प्रयोग यहां पर होता है और ऑन का प्रयोग यहां पर ऐसे होता है। जी नहीं, यहां पर मैं आपको जीरंड से पहले कब ऑन का प्रयोग करते हैं और कब बाय का प्रयोग करते हैं यह बता रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, इस इन दोनों ही वाक्यों को जरा ध्यान से पढ़िए क्या हो रहा है। रोहन वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, यहां पर क्या होना चाहिए, वर्कड। रोहन वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, रोहन ने बहुत कठिन परिश्रम किया, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, कक्षा में उसने प्रथम पोजीशन प्राप्त की। जी हाँ, ये दो सेंटेंस हैं। देखिए जरा, दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही है और कारण और परिणाम है। जी हाँ, फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करने का कारण क्या है, कठिन परिश्रम करना। कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या है, ये जो कि होता ही है, कठिन परिश्रम करेंगे उसका परिणाम पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो चलिए जरा देख लेते हैं कि यहां पर हम बाई अथवा ऑन का प्रयोग कैसे करते हैं। जी हाँ, तो प्राय है कारण बताने वाली क्रिया को हम क्या करते हैं, जीरंड में चेंज कर देते हैं। जी हाँ, तो यहां पर ये वर्क है, तो हमने यहां पर क्या किया, वर्क लिखा और उसके बाद में आईएनजी लगा दिया, तो ये अभी तो फिलहाल प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। ओके, लेकिन इससे पहले हम या तो बाई लगा देंगे और या तो ऑन लगा देंगे, तो यही जीरंड बन जाएगा। चलिए आगे हम फ्रेंड्स को और आगे बढ़ा देते हैं। वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड, अब कॉमा लगा दिया। देखिए, एक क्रिया को आपने यहां पर जीरण में चेंज कर दिया है, रोहन दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, तो हम इस रोहन का प्रयोग दूसरे सेंटेंस में कर लेंगे। चलिए, रोहन गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। ओके, जी हाँ, अब काम क्या बचा है, यहां पर हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करें या बाई का प्रयोग करें, यहां पर यह एक सोचने वाला विषय है। अब यहां पर क्या, कौन सी थ्योरी काम करती है, कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, तो मैं आपको बतला रहा हूं एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट। ओके, 99% स्थानों पर ऐसा ही देखा जाता है, कैसा, कि यदि हमें किसी काम को करने में परिश्रम करना पड़ता है, अर्थात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि काम दो प्रकार के होते हैं, एक जिनको करना पड़ता है और दूसरा जो स्वतः हो जाते हैं। ओके, तो जिनको करना पड़ता है उनके पहले बाई लगाते हैं, तो आप जरा ये अब अपने कॉमन सेंस से लगा करके सोचिए कि कठिन परिश्रम स्वतः हो जाता है क्या। जी नहीं, कठिन परिश्रम को तो करना पड़ता है, आपको करना पड़ेगा तभी वो परिश्रम होगा, स्वतः नहीं होता। जैसे देखना स्वतः हो जाता है, सुनना स्वतः हो जाता है, महसूस करना स्वतः हो जाता है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वतः हो जाती हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें करना पड़ता है। बस यही देखना है कि क्या ये काम हम स्वतः हो रहा है या हम उसे कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो उसके पहले बाई लगा देते हैं, और अगर वो काम स्वतः हो रहा है तो उससे पहले ऑन लगा देते हैं। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है, इसको आप समझ लीजिए। तो अब ये देखिए, जीरंड बन गया, जीरंड से पहले प्रीपोजिशन हो गया, अब क्या बन गया, बाय वर्किंग एक्सट्रीमली हार्ड, कठिन परिश्रम करने पर ऐसा अर्थ निकलता है, कठिन परिश्रम करने पर रोहन ने क्लास में प्रथम पोजीशन प्राप्त करी, ऐसा सेंटेंस होता है। ऐसे जरा दूसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, वहां पर और क्लियर हो जाएगा। पीपल सॉ ए बर्निंग हाउस, लोगों ने एक जलता हुआ घर देखा। दे रैन टू फेच वाटर, वो सभी वाटर लाने के लिए दौड़े। ओके, दे रैन मींस वे दौड़े, टू फेच माने लाने के लिए, वाटर पानी लाने के लिए दौड़े। अब यहां पर भी देख लेते हैं, दोनों ही वाक्यों के सब्जेक्ट्स एक ही हैं। ओके, अब क्या करना है, पहली क्रिया सा है और रैन, देखिए कारण और परिणाम है क्या। जी हाँ, दौड़ने का कारण क्या है, देखना, जलते हुए घर को देखना, यह रीजन बना, और उसका परिणाम क्या हुआ, यह हुआ, तो फिर वही काम है। तो हमें क्या करना है कि इस वर्ब को ही, यानी जो पहले घटित होने वाली क्रिया है उसको ही जीरण में चेंज कर देना है। तो हमने यहां पर सी फर्स्ट फॉर्म लाए और उसमें आईएनजी लाए, सीन। ओके, अभी तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन अब ये जरा देखो कि ये सी नाम की जो क्रिया है, क्या इसको करना पड़ता है। जी नहीं, इसे करना नहीं पड़ता, ये तो स्वतः, अगर कहीं आग लगी हुई है तो उजाला हमको स्वतः दिखाई पड़ जाता है। जी हाँ, तो अब ये स्वतः क्रिया होने वाली है, इसलिए इससे पहले हम ऑन लगा देंगे। सो ऑन सीइंग ए बर्निंग हाउस
अब कॉमा लगा दिया यहां पर। अब ये देखिए, ये अब एक फ्रेज बन गया, एक जीरंड फ्रेज बन गया। ओके, इस टेंस बताने वाली क्रिया को हमने जीरंड में अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज कर दिया और इसे फ्रेज बना लिया। अब दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों रख देते हैं। बस ज्यों के त्यों में इधर नाउन और प्रोनाउन में सिलेक्शन कर लीजिए, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। तो जब हमें एक का चुनाव करना है तो हमें क्या करना है, नाउन को रख लेना है। ओके, पीपल रैन टू फेच वाटर। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वीडियो काफी लंबा होता चला जा रहा है। अगले वीडियो में मैं सारे के सारे प्रीपोजिशंस लेकर के आऊंगा, भले ही वो 40 मिनट का क्यों ना चला जाए। ओके, अब सारे के सारे, अब ये वाला वीडियो, इसके बाद अगला वीडियो, यानी ये तीनों ही वीडियोस देखना आपके लिए मस्ट है, तभी आप इस नियम का प्रयोग कायदे से कर पाएंगे, अन्यथा हमेशा ही आपको समस्याएं परेशानियां बनी रहेंगी। तो मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप डीप स्टडी करने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं, और डीप स्टडी करते समय आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं समय दे रहा हूँ, आपको समय देना पड़ेगा, और तभी इन सारी की सारी मुश्किलों से हम बाहर निकल पाएंगे। इसलिए अब आज मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जाने से पहले मैं उन नए विद्यार्थियों को, नए स्टूडेंट्स जो इस समय वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक देखा है, अगर यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, लेकिन उस घंटी वाली बटन को ज़रूर दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि वही बटन आपको मेरे अगले वीडियो तक लेकर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।